मॉस्को में पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से हमला, दो ड्रोन से क्रेमलिन पर हुआ अटैक, रूस का यूक्रेन पर पुतिन को मारने की कोशिश का आरोप। गोवा में आज से एससीयू के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर, दो दिन तक चलने वाली बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी होंगे शामिल। कर्नाटक में पीएम मोदी का बड़ा प्रचार अभियान, मूरबिद्री और अंकोला की रैली से कांग्रेस को दिया जवाब, जय बजरंग बली के नारे के साथ रैली की शुरुआत। बजरंग बली की। कर्नाटक के रामनगरम में रोड शो के दौरान न्यूज 18 इंडिया से जेपी नड्डा की एक्सक्लूसिव बातचीत, कांग्रेस पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज, 10 नगर निगमों में होगी वोटिंग, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर तो राजनाथ सिंह गोमती नगर में डालेंगे वोट। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा, पहलवानों की दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ झड़प। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दो आतंकी ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकियों को किया ढेर, एक AK-47 राइफल भी बरामद। उमेश पाल मर्डर मामले में एक नया वीडियो आया सामने, हत्या के 3 दिन पहले 21 फरवरी को था हत्या का प्लान, पुलिस को आता देख भागे अतीक के शूटर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। बढ़ गई थी लेकिन दौरे से उन्हें उम्मीद थी कि फाइटर जेट मिलेगा, लेकिन अब फाइटर जेट न देने का फैसला किया फिनलैंड ने, और यह तब हुआ है जिस दिन मॉस्को में क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला होता है और रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अब तक इसकी जिम्मेदारी ली नहीं गई है, तो कह सकते हैं कि यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है फिनलैंड की तरफ से, क्योंकि जेलेंस्की को उम्मीद थी कि फिनलैंड की तरफ से उन्हें फाइटर जेट जरूर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा झटका जेलेंस्की को माना जा रहा है, मॉस्को हमले के बाद फिनलैंड ने फैसला किया, जैसा नीरज ने बताया वो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा। लंबे वक्त से यूक्रेन फिनलैंड से फाइटर जेट लेने की उम्मीद में था, उसके दम पर वो रूस का फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा ऐसा वो मान रहा था, फिनलैंड को यूक्रेन की मदद करने का फिनलैंड ने फैसला भी कर लिया था ऐसा भी माना जा रहा था। नेटो में एंट्री मिलने के बाद फिनलैंड ने बयान भी दिया था कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमला हुआ क्रेमलिन पर हमला हुआ फिनलैंड के तेवर बदल गए, फिनलैंड ने कह दिया वो अपने फाइटर